हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट पे। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से आ रही है बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आई सामने। रीट 2018 में एक लिस्ट और हुई नवीन चयनितों को जारी। पूरी बिंदुवार जानकारी ऑफिशियल प्रेस नोट के साथ आपको दिखाई जाएगी, किस किस का हुआ चयन, और आप यहां पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल प्रेस नोट का। तो ले चलते हैं आपको बिना देर किए सीधा अपडेट की ओर और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट भर्ती संबंधित अपडेट की ओर। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए ले चलते हैं आपको आज की इस बड़ी और लेटेस्ट भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की ओर। हाँ, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से एक बड़ा प्रेस नोट जारी हुआ है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं, डेट आप देख सकते हैं 18/4/2019 की डेट में प्रेस नोट को जारी किया गया है दोस्तों। प्रेस नोट अभी हाल ही में जारी हुआ है, लेकिन दिनांक यहाँ पर 18/4/2019 की में हुआ है दोस्तों। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 लेवल प्रथम गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के पदों हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 12/4/2018 के क्रम में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19/5/2018 द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल नवीन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों द्वारा उनको अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में SB सिविल याचिका संख्या 8529/2018, ये देख सकते हैं दोस्तों 2018, मनीष कुमार नागदावे अन्य बनाम सरकार तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाएं दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य याचिका संख्या 8529/2018 मनीष कुमार नागदावे अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक 23/7/2018 को याचिका कर्मियों को अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयन करने के आदेश यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के पत्रांक संख्या आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पत्रांक संख्या द्वारा SB सिविल याचिका 8529/2018 मनीष कुमार नागदावे अन्य बनाम राज्य सरकार में दायर अवमानना याचिका संख्या 1366/2018 मनीष कुमार नागदावे अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के क्रम में माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर की गई है, विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23/7/2018 के विरुद्ध खंडपीठ में दायर विशेष आदेश दिनांक इतने के अनुसार संबंध में महाधिवक्ता राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त विधिक राय अनुसार निम्न याचिका कर्मियों को शिक्षक भर्ती 2018 अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र TSP एरिया लेवल प्रथम के विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयन किया जाना विचारणीय है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ प्रतिभागी ऐसे थे जो भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी हो गई थी और उसके अनुसार जो TSP क्षेत्र था उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो वो अब TSP एरिया में आ गए थे, लेकिन उनको यहाँ पर चयन नहीं किया गया था उस क्षेत्र के होते हुए भी। तो दोस्तों अब उस संदर्भ में जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका के आधार पर जो फैसला आया है, उस फैसले को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं रीट लेवल फर्स्ट के कुछ प्रतिभागी जो कि याचिकाकर्ता थे उनके और उनके अलावा जो भी इस प्रकार की समस्या से पीड़ित थे उन सभी को यहाँ पर TSP एरिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब शामिल करते हुए और उनको यहाँ पर नियुक्तियां देने के लिए आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये एक सूची तैयार की है और सूची आप विभागीय वेबसाइट जो कि अधिकृत वेबसाइट है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए कि यहाँ पर ये कैंडिडेट के नाम दिया गया है, फादर्स नेम, जेंडर, DOB कैटेगरी, और जो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार ये सब कुछ यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह ये सब कुछ दिया गया है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही थी, तो इससे आप सभी को मुखातिब करवा दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, जिस प्रकार अनेक प्रतिभागी इस संदर्भ में मांग कर रहे थे कि सर हमारे TSP एरिया की सीट में हमारा TSP क्षेत्र है, लेकिन हमें वहां पर सेलेक्ट नहीं किया गया है, चयनित नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस संदर्भ में आज बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है, तो आप सभी को अवगत करा दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। साथियों, आपका छोटा सा प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा, हमें हमारे वीडियोज में नवाचार लाने के लिए प्रेरित करेगा और हमें
बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा। जिस प्रकार दोस्तों हम आपके लिए हर संभव प्रयास करते हुए नई से नई अपडेट्स और सूचनाओं को वैधानिक सूत्रों के आधार पर उनकी पुष्टि करते हुए आप तक पहुंचाने का सर्वप्रथम समस्त यूट्यूब चैनलों में सबसे पहले प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इतना सा कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अपडेट पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों को अपडेट मिल सके और ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी अपडेट से मुखातिब होते हुए लाभान्वित हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।